इतना बड़ा पूरा थाई का ऐसा कुछ है, देखो कि देख रहे हो क्या सही लग रहा है यार भाई साहब। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में तुम्हें बिरयानी 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 दिख रही होगी, तो मैं जल्द से बताता हूँ मेरे पास आज कहाँ से मैंने क्या क्या मंगा रखा है। दो जगह से बिरयानी मंगा रखी है, एक तो मन्नू फास्ट फूड जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, रायपुर में इनकी दुकान पड़ती है, और यहाँ पे मोमोज रखे हुए हैं ग्रीन कलर के, बटर चिकन मोमोज, ठीक है, वहाँ पे ग्रीन कलर के मिलते हैं। बिरयानी भाई के लोग से मैंने मंगा रखा है चिकन हैदराबादी दम बिरयानी क्लासिक, बटर चिकन बोनलेस 4 पीसेस, तंदूरी चिकन क्वार्टर 2 पीसेस, जिसमें मैंने एड ऑन किया था गुलाब जामुन विद रबड़ी और एक रुमाली रोटी। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप लोग बहुत ऐसे मेरे से पूछते रहते हो कि इतना सब कुछ ऑयली और इतना जंक फूड खाने के बाद आप अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखते हो और आप इतने गोरे कैसे दिखते हो, तो मैं आज तुम्हें बता देता हूँ कि मैं क्या यूज़ करता हूँ। तो मैं यूज़ करता हूँ मुस्टैच का हर्बल स्किन लाइटनिंग ऑयल और ओशियन फेस वॉश, ये हैं दोनों प्रोडक्ट्स। ये है देखो मुस्टैच का ओशियन फेस वॉश और ये है मुस्टैच का हर्बल स्किन लाइटनिंग ऑयल। बेसिकली ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल 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 परफेक्ट हैं एक मेन स्किन के लिए। स्किन लाइटनिंग ऑयल हमें नेचुरली अंदर से ब्राइट बनाते हैं जिससे कि हम गोरे दिखते हैं, एंड दिस ऑयल ऑल्सो एनरिच्ड विद टर्मरिक एंड एलोवेरा। तो ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं दोनों के दोनों। मैं तुम्हें फिर से दिखाता हूँ ऐसा कुछ है ये प्रोडक्ट, और इसे यूज करना भी बहुत ज्यादा इजी है। इसे बस क्या करना है, हमने इसकी 3 ड्रॉप्स लेनी है, उसे अपने फेस पे अप्लाई करना है और 10 मिनट तक हमें भूल जाना है कि हमने अपने फेस पे कुछ अप्लाई किया है, और उसके बाद हमें ओशियन फेस वॉश से फेस वॉश कर लेना। और मैं सच बता रहा हूँ बहुत कमाल का प्रोडक्ट है। इनके ओशियन फेस वॉश में सैलिसिलिक एसिड एंड लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है जिससे कि हम नेचुरली गोरे दिखते हैं और ब्राइट दिखती है हमारी स्किन। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके वहां से फटाफट ऑर्डर करो, और इस टाइम पे ऑर्डर करोगे तो बहुत बढ़िया सेल चल रही है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सबसे पहले ऊपर पे जो कमेंट होगा उसमें लिंक ही होगा, तो वहां पे जाके ऑर्डर करो और एक बार ट्राई करके देखो, मेरा पर्सनल फेवरेट है, तुम याद करोगे, मजा आ जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। स्टार्ट करते हैं मन्नू फास्ट फूड के बटर चिकन मोमोज। ये तुम्हें इसमें नहीं दिख रहा होगा शायद, ये पूरा ग्रीन कलर का है। भाई रायपुर में इनकी दुकान मेरी पर्सनल फेवरेट, बहुत बढ़िया मोमोज बनाते हैं भाई। तुम्हें कलर नहीं दिख रहा होगा बट ये ग्रीन है। उसे थोड़ा सा अलग रख देते, मेरा खाने का मन कर जाएगा। भाई जाके खा के देखना, याद करोगे तुम लोग। आज बिरयानी मंगा रही है दो जगह से, एक है बिरयानी बाय किलोज और एक है मन्नू की बिरयानी बाय। मन्नू की बिरयानी ऐसे कुछ है, और वहां जाओगे ना तुम्हें तिरंगे का कलर दिखाई देगा उनकी बिरयानी में। पहले अपने फेवरेट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। इतना बड़ा पूरा थाई का पीस, एक नंबर भाई। ऐसे हांडी वांडी भी नहीं बनाते बिरयानी, सिंपल बनाते हैं, बहुत सिंपल बिरयानी है, बट इसमें 3 तरीके की चटनी डालती है, एक हरी, व्हाइट और ऑरेंज। तो जब वहां जाओगे तो तुम्हें तिरंगा सा बनाई देगा, दिखाई देगा ऊपर पे बनाओ, ऐसे घर पे बना नहीं।
ऑरेंज कलर भी दिख रहा होगा इसमें। भाई इतने साल हो गए ना मुझे यहाँ खाते खाते, वही टेस्ट है, नवी क्लास से खा रहा हूँ यहाँ। ऐसा कुछ है देखो। ₹220 की बिरयानी है, और तुम लोग मुझे बताया क्या सोच रहे होगे कि इसने बोला था कम्बन स्पेशल वाली वीडियो डालूंगा। लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स चलते रहना, तो सीन ऐसा हुआ हम शूट करके आए, बट वो डाटा पूरा करप्ट हो गया कार्ड, तो इस वजह से मैं नहीं डाल पाया। बट इंस्टाग्राम में मैं चीज़ें डालता रहता हूँ, तो वहाँ जाके फॉलो कर लो। स्क्रीनशॉट में यहीं कहीं स्क्रीन पे डाल दूँगा, भाई मज़ा आया, एक बार देखो यार। भाई गजब टेस्ट है भाई बिरयानी। भाई किलोस की बिरयानी मैंने आज तक नहीं खाई, नाम बहुत सुना, चीज़ें पहली बार देखी कि हांडी में बिरयानी आती है, आज खा के देखूँगा। और बटर चिकन भी ऑर्डर किया हमने बिरयानी भाई के लोज से, बहुत गजब होती है भाई ये बिरयानी तो यार, 10 में से 10 मन्नू भाई की बिरयानी को। तो अब ट्राई करते हैं क्लासिक बटर चिकन बोनलेस, जो कि हमने बिरयानी भाई के लोज से ही मंगवाया है। भाई साहब बहुत ज्यादा मीठा है, लेकिन ठीक है, ₹220 की इतनी नहीं आती बिरयानी, पीस एक ही आता है, साइज की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, दो जने आराम से खा सकते हो। वो अच्छा रहा है। ये हमारा तंदूरी चिकन, ये भी हमने बिरयानी बाय किलो से ही मंगवाया। ये तो एवरेज ही हो रहा है। मैंने सलन मंगाया था कि जैसे बटर चिकन की ग्रेवी होती है वैसी कुछ आएगी, बट ये मुझे अलग ही लग रहा है, कुछ ऑरेंज कलर का, ऐसा ही होता है क्या? बोनलेस से बढ़िया मुझे ऐसा लगता है कि बोन वाला अच्छा होता है। भाई मुझे ना डेजर्ट में मन जा रहा है बहुत देर से, सूखा वाला पीस। बट चिकन में ये वाले पीस नहीं आने चाहिए यार, इसे कितना भी पका लो पता है अंदर से सूखा रहता, लेकिन हम इसे बटर चिकन में गीला करके खा लेंगे। इसके नीचे इन्होंने गर्म करने के लिए कैंडल्स वगैरह भी दिए हैं, जो कि मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए, और इतनी सारी बिरयानी निकालने के बावजूद इसमें 4 पीस आते हैं, अभी भी इसमें इतना राइस है कि देख रहे हो, इससे 2 जने आराम से पूरा पेट भर के खा सकते हैं भाई, पेट भर के। लाइफ में इतने अप एंड डाउन चल रहे हैं, वीडियो डालना था, कार्ड करप्ट हो गया। इस वाले वीडियो से पहले जो वीडियो डाला उसमें क्वेश्चन था, आपके टूथपेस्ट में चमनप्राश है, तो मेरे दांत में बहुत दिनों से लेफ्ट साइड और राइट साइड के पीछे पीछे वाले दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, झंझनाहट हो रही थी बहुत बढ़िया। तो हम लोग गए डॉक्टर पे दिखाने, तो मैं रिपोर्ट भी दिखा रहा हूँ, तुम्हें दिख रहा होगा शायद, ये देखो दिख रहा है, एक और बार देख लो पास से कि क्या हो रखा है।
जो पीछे वाला दांत है उसे स्पेस नहीं मिल रहा है बाहर आने का, और वो अंदर मांस फाड़ रहा है, ठीक है। और अब इसकी सर्जरी टाइप होगी, टांके आएंगे 7-8 टांके आएंगे एक तरफ, तो 2 तरफ हो गए 16 टांके। और मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा, मैं इस डर में हूँ बस। बढ़िया हो रहा है, बढ़िया टेस्ट है, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं, नाम बड़े दर्शन छोटे वाला सीन हो गया। तो मेरे को तो ये भी पता नहीं क्यों एवरेज एवरेज सी लग रही है, पता नहीं क्यों लग रही है, बट लग रही है एवरेज एवरेज। ऐसा मन कर रहा है कि इसमें मन्नू भाई के वहां से आया वो मेयोनीज मिला के खा लूं। सलाद मिला के खाते हैं, ऑरेंज कलर का है, इसे मिलाते मिलाते क्यों नहीं है, देख लेता हूँ मिला के। अबे हाँ, इसने कलर चेंज किया है यार, कि नीचे से चटनी थी मैं थोड़ा सा मिक्स हो चुका है, तो थोड़ा सा अलग कलर हो गया इसका। सलाद मिलाते हैं इसमें, अभी इडली जैसा हो रहा है क्या, मैंने इसमें क्यों मिला दिया पूरा का पूरा। शिट, नारियल का कुछ, मुझे तो सच में नहीं पता सलन क्या होता है, सुना तो था मैंने बिरयानी के साथ मिला के खाते हैं, बट नहीं हो रहा है उस लायक। अबे यार वही वाला पीस आ गया क्या, सूखा वाला पीस आ गया। तो मैं यही बता रहा था, पिछली बार वाली वीडियो रिकॉर्ड की थी और कार्ड करप्ट हो गया भाई। नहीं, बिरयानी खा लूँगा मैं, ऐसे सलन नहीं मंगवाऊँगा, इसने बोला टेस्ट खराब कर दिया भाई। और हाँ, बिरयानी लवर्स नीचे गंदे कमेंट मत करना। सूखा वाला पीस भाई, ये पीस नहीं खा रहा मैं, सच में बहुत अजीब लगते हैं मुझे पीस, क्या पता खा भी लूं। वही तो दांत में हो चुकी है दिक्कत दोनों तरफ, और शायद 12-13 दिन के लिए मुझे खिचड़ी और दाल पीने के लिए बोला, और 3 दिन तक बोल रहे थे बात मत करना। तो अभी देखता हूँ कब कराऊंगा इसे। जब उन्होंने बोला कि हील होने में 15-20 दिन लगेंगे, उसी टाइम थोड़ा मेरा मन मर गया था कि भाई मैं नहीं करा रहा, लेकिन सब बोल रहे हैं घर में कि कराना तो ज़रूरी है भाई, बाद में दिक्कत होगी, इसलिए सोचते हैं इस बारे में करते हैं कुछ। ये भी सूखा वाला पीस है। मन्नू की बिरयानी एक बार ट्राई करना भाई, देहरादून आओगे या देहरादून से हो तो। मैं सोच रहा था मन्नू भाई के वहाँ की बिरयानी नॉर्मल होगी, ये नॉर्मल लगी मुझे। ये सारे सूखे पीस हैं, इसलिए तो हमने नोटिस किया होगा, जब भी मैं चिकन की कुछ भी चिकन बनाते हैं हमारे घर पे, तो मैं सिर्फ चिकन लेग्स और विंग्स मंगाता हूँ, सूखे पीस बहुत वैसे हो जाते हैं, अच्छे नहीं होते। ये तो मुझे नॉर्मल लगी, मन्नू भाई के वहाँ की बिरयानी बढ़िया लगी, पहले ही बढ़िया लगती थी। और बटर चिकन अच्छा है, पहले पहले लग रहा था मीठा है, बट हाँ अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है कि भयंकर बहुत ही गजब, बट अच्छा। और सलन, आज के बाद में सलन नहीं खाने वाला। और एक और चीज़ थी, मोमोज भाई, अपनी दिल की गहराइयों से बोल रहा हूँ, एक बार खा के देखना, मज़ा आ जाएगा। मन्नू फास्ट फूड रायपुर में, इसे पूछ रहे हैं चढ़ाई पे पड़ते हैं, मज़ा आ जाएगा तुम्हें खा के। थोड़ी चम्मच आना भूल गया, मेरा मन तो एक ही जगह आ गया भाई, गुलाब जामुन विद रबड़ी भाई, क्या लग रहे हैं ये बिरयानी भाई, किलोज भाई, मज़ा आ गया इसे देख के भाई। ने 2 मिनट में चम्मच ले गया, 2 मिनट भाई। ये है गुलाब जामुन विद रबड़ी भाई, मैं तुम्हें इसका क्लोजअप देता हूँ, ऐसा कुछ है भाई ये, क्या सही लग रहा है यार भाई साहब, देख रहे हो तुम, ऐसा कुछ हो रहा है ये। और रबड़ी भाई,
भाई मेरे को याद है रबड़ी पुणे जा रहा था तो बीच में कहीं एक स्टेशन पड़ा था रात को, तो वहां पे सिर्फ रबड़ी रबड़ी वाले ट्रेन पे चढ़े थे, तो वैसी ही कुछ हो रही है। 20 रुपए की दी थी उन्होंने, ये भले ही थोड़ा सा महंगा है बट भाई देखने में तो वैसी है। भाई मजा आ गया, बहुत सालों बाद मैं ऐसी रबड़ी खा रहा हूँ भाई साहब, क्या डार्क है। सेम वही टेस्ट है भाई, कोई अगर मुंबई गया ना ट्रेन से, मेरे को ट्रेन का याद नाम भी नहीं याद, कोई रथवत थी शायद, गरीब रथ, हाँ गरीब रथ थी कुछ ऐसी थी, रात को स्टेशन में रुकी हुई थी ट्रेन, तो वहाँ पे चढ़े थे रफड़ी रफड़ी रफड़ी, तो वहाँ खाई थी मैंने ऐसी। अभी तक थोड़ा सा मूड ऐसा था यार, बिरयानी इतनी अच्छी नहीं थी, तंदूरी चिकन अच्छा नहीं था, बट भाई भाई मज़ा आ गया। इसे खाने के बाद अभी मम्मी और के लिए ऑर्डर करता हूँ, वो आज नॉन वेज नहीं खा सकते। मेरे को डॉक्टर के पास जाना है तो मैं थर्सडे को शूट कर रहा हूँ, थर्सडे को मेरे घर में नॉन वेज नहीं खाते, उनका व्रत है आज। अल्टीमेट उनके लिए ऑर्डर करूँगा आज, रात को खा लेंगे भाई साहब। भाई अल्टीमेट मजा आ गया भाई, थोड़ा सा और खा लूँ क्या, थोड़ा सा चिपका पड़ा है इधर उधर। भाई बहुत बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया, ये तो आंख बंद करके ऑर्डर कर देना बिरयानी भाई के लिए, उससे बिरयानी भले ही करना मत करना, बट ये गुलाब जामुन विद रबड़ी भाई अल्टीमेट, कोई तोड़ ही नहीं है भाई। तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपको दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, बाय बाय। और हाँ वो प्रोडक्ट का लिंक मैं दे रहा हूँ, और दोनों देखो, ये एक ऐसा है भाई मेरा पर्सनल फेवरेट है, एक बार ट्राई जरूर करना, मजा आएगा तुम्हें। बाय बाय।